आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। For complete neutralization of HCl with NaOH, the heat of neutralization is. तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, heat of neutralization होता क्या है कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है सोल्ट प्लस वॉटर। एसिड H प्लस देता है और बेस OH माइनस। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, तो जो हीट रिलीज होती है वो कैलोरी में होती है, -13.7 किलो कैलोरी। एंड अगर हम इसको किलो जूल में देखें तो वो होती है बच्चों -57.6 किलो जूल। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की जिसमें HCl और NaOH की बात की गई है, HCl एंड NaOH, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आंसर आएगा -13.7 किलो कैलोरी। लेकिन यहाँ पे आंसर किलो जूल में दे रखे हैं, तो आप कौन से ऑप्शंस पे जाओगे बच्चों, -57.6 किलो जूल या -57.3 किलो जूल पर मोल। तो आंसर्स दोनों ही सही है। ऑप्शन थ्री को अगर हम माइनस मानते हैं, ऑप्शन फोर को प्लस मान लेते हैं, तो मोर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थ्री, विच इज -57.32 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।